हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अंबिका सुपर किचन। आज मैं लेके आई हूँ ओरियो कपकेक की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल, यूनिक एंड क्विक है। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। बट उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कटोरी में कपकेक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 360 ग्राम्स बिस्किट्स। ओरियो बिस्किट का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप चाहें तो कोई और बिस्किट भी ले सकते हैं, बट ध्यान रखना कि चॉकलेट फ्लेवर हो, साथ ही साथ क्रीम बिस्किट्स हो, ताकि आपको ही आसानी होगी। जो क्रीम रहेगी उससे हम फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। सारे बिस्किट्स यहाँ पे मैंने एक बाउल में निकाल लिए हैं। अब हम इसकी जो क्रीम है वो अलग कर लेंगे और बिस्किट को जो सेपरेट बाउल में रख लेंगे। क्रीम को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप फोक, नाइफ़ या स्पून की हेल्प से आसानी से क्रीम को निकाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से। यहाँ पर सारी की सारी क्रीम मैंने एक बाउल में कलेक्ट कर ली है और साथ ही साथ जो बिस्किट्स हैं वो सेपरेट कर दिए हैं। अब हम बिस्किट का जो है एक फाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। तो कुछ नहीं करना है, एक ग्राइंडिंग जार लीजिए, उसमें सारे के सारे बिस्किट्स डाल दीजिए और पल्स मोड में आपको ग्राइंड करना है, जब तक कि अच्छा से इसका एक फाइन पाउडर बनकर रेडी नहीं हो जाता। कंटिन्यूस इसको कभी ग्राइंड मत करना, नहीं तो एक मॉइस्चर आ जाएगा इसमें, वो हमें नहीं चाहिए। पल्स मोड में ग्राइंड करने के बाद देखें इस तरीके का आपको रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल भी मॉइस्चर इसमें नहीं है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी मिठास के लिए शुगर पाउडर, एक बड़े चम्मच के करीब। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से हम कंबाइन कर लेंगे और इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे दूध। जो दूध है वो ध्यान रखें कि रूम टेम्परेचर पे हो, ना गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाना है, एक बार में पूरा दूध कभी ना डालें जब आप बिस्किट केक या कप केक या मग केक कुछ भी बना रहे हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आपको आइडिया रहेगा इसकी कंसिस्टेंसी का। जब भी बिस्किट केक बनाते हैं तो दूध इतना ही डालना है आपको, जब हम ऊपर से उसे नीचे गिराएं तो रिबन बनने चाहिए, यानी जब वो नीचे गिरे तो थोड़ी देर के बाद वो एकदम फ्लो हो जाए। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप टोटल मिल्क यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें कटोरियों में डालेंगे बैटर को। बट उससे पहले मैंने जो कटोरी है वो बहुत अच्छे से ग्रीस कर ली है, साथ ही साथ जो कढ़ाई है वो प्री हीट करने के लिए रख दी है। 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्री हीट कर लेना है आपको। अब हम डालेंगे इसमें इनो। यहाँ पे मैंने सिंपल फ्लेवर रेगुलर जो आता है इनो वो यूज़ किया है। इनो यहाँ पे मैंने एक छोटा चम्मच यूज़ किया है, साथ ही साथ उसमें हम थोड़ा सा ऊपर से दूध डालेंगे और इसे आपको हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लेना है। और इस प्रोसेस के बाद, इनो डालने के बाद आपको जल्दी जल्दी काम करना है, जल्दी से आपको मिक्स करके कटोरियों में डाल के इसे कढ़ाई तक पहुँचाना है, ताकि जो है इनो का इफ़ेक्ट ख़त्म ना हो। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं जल्दी इसे कटोरियों में डाल देती हूँ बैटर। कटोरियाँ आपको हाफ से थोड़ी ज़्यादा भरनी है, 3/4 से थोड़ी कम। अगर आप कटोरी का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप सेम प्रोसेस यूज़ करके मग केक भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस बैटर में आप चॉको चिप्स या फिर ड्राई फ्रूट्स या फिर टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कुछ इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है तो। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा तीनों से ही, ड्राई फ्रूट, टूटी फ्रूटी एंड चोको चिप्स बहुत अच्छे जाएंगे इसके साथ। बस यहाँ पे अब हम रख देंगे इसे कढ़ाई में। तो यहाँ पे कढ़ाई मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे इसे परफेक्टली प्री हीट कर लिया है। अब इसमें हम रख देंगे हमारी प्लेट और उसके ऊपर हम रख देंगे चारों कटोरी। अब इसे जल्दी से कवर करके हम इसे बेक कर लेंगे। ध्यान रखें बिल्कुल लो फ्लेम कर दें। और 32 मिनट्स मुझे लगे थे यहाँ पे इसे बेक करने में। तो आफ्टर 32 मिनट्स के बाद ये देखिए बनकर रेडी हो चुके हैं। इसे हम टूथपिक की हेल्प से चेक कर लेते हैं। तो टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है, इट मीन्स ये कम्प्लीटली अच्छे से बेक हो चुके हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे।
जब तक ये ठंडे हो रहे हैं हम अपनी फ्रॉस्टिंग की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए जो हमने क्रीम अलग बाउल में कलेक्ट करके रखी थी उसी में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच मिल्क पाउडर। थिकनेस के लिए अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। और साथ में डालेंगे हम 2 छोटे चम्मच इसमें दूध। सिर्फ 2 छोटे चम्मच आपको डालना है, अगर आपको कम लगता है तो आप बाद में डाल सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा दूध नहीं डालना है। अब इससे हम एक ही डायरेक्शन में फोक, स्पून या फिर हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इसे फेंट लेंगे, यानी कि विस्क कर लेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे अगर आप मिल्क पाउडर का यूज़ करते हैं तो। मिल्क पाउडर यूज़ करने से जो क्रीम है, फ्रॉस्टिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, फ्लफी और एक थिकनेस रहेगी उसमें। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बिना उसके भी अच्छा ही रिजल्ट आएगा। बट जो मिल्क पाउडर है उसे यूज़ करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये देखिए फ्रॉस्टिंग बनकर रेडी है। इसे अब हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसे निकाल कर एक पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे। तो पाइपिंग बैग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है एक दूध की पन्नी, उसमें डाली है नोजल एक साइड के कॉर्नर को कट करके, और इसमें अब हम क्रीम अपनी फिल कर लेंगे। ध्यान रखें अगर आपके पास नोजल नहीं है तो आप बिना उसके भी काम चला सकते हैं, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बट है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमारा जो पाइपिंग बैग है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम सील कर देंगे एक रबर बैंड से और इसे अलग रख देंगे। अब हम शुगर सिरप बना लेते हैं। तो शुगर सिरप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 4 बड़े चम्मच हल्का गर्म पानी, उसमें डाली है 2 छोटे चम्मच शक्कर यानी चीनी, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस हमारा शुगर सिरप बनकर रेडी है। अब जो है हमारी यहाँ पे कटोरी कपकेक है वो भी ठंडे हो चुके हैं। इसके ऊपर से हम डाल देंगे हमारा शुगर सिरप, ताकि जो इसमें है एक अच्छा सा मॉइस्चर आ जाए, ड्राइनेस ना रहे। उसके लिए यहाँ पे मैंने कटोरी से बाहर नहीं निकाले हैं कपकेक्स, अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली निकल जाते हैं ठंडे होने पर। तो अच्छे से जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग से एज पर योर चॉइस आप डेकोरेट कर सकते हैं इसे। अगर आपके पास नोजल नहीं है तो आप सिंपली भी फ्रॉस्टिंग को एक नाइफ या स्पून की हेल्प से ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। चॉको चिप्स डाल दीजिए, ओरियो बिस्किट तोड़ के डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी के साथ आप डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन रखी है यहाँ पे, बिस्किट को तोड़ के 2 साइड लगा दिया है और थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ऊपर से मैंने स्प्रेड कर दिया है बस। तो बढ़िया से जो कपकेक है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं विथ 3 इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है, बिल्कुल सिंपल एंड हैंडफुल ऑफ इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर रेडी हो चुके हैं हमारे कटोरी कपकेक्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।